वजीर आजम आज लाहौर आएंगे, पंजाब काबीना के इजलास से खिताब, गवर्नर और वजीर आला पंजाब से अलग अलग मुलाकातें भी शेड्यूल, सरदार उस्मान बुजदार सानहे साहिबाल पर जेआईटी की रिपोर्ट पर ब्रीफिंग देंगे। पाकिस्तान की जानिब से अमन का एक और पैगाम, भारतीय पायलट की रिहाई का ऐलान, भारतीय पायलट को सुबह 9 से दोपहर 3 के दौरान वाघा बॉर्डर के रास्ते वापस भिजवाए जाने का इम्कान। अमन के अलमबरदार मगर जारहियत पर दुश्मन को सबक सिखाने पर रहती है नजर, बोझदिल भारतीयों को करारा जवाब देने पर फौज को सलाम, शहर में रैलियां और मुजाहरे, मोदी गर्दी नामंजूर के नारे, पंजाब यूनिवर्सिटी में तालबा की बड़ी रैली, रेलवे प्रेम यूनियन की भारतीय जारहियत के खिलाफ रैली, मजदूरों ने मोदी का पुतला नजरे आतिश कर दिया, अंजुमन ताजिरान का भी शाह आलमी में मुजाहिरा, तहरीक लब्बैक की भी ताजबाग से हरबंसपुरा तक फौज के हक में रैली, यंग डॉक्टर्स और नर्सिस की जेल रोड पर रैली, पाक फौज के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती, रियल स्टेट डीलर्स की फैसल टाउन से अल्लाह गोल चक्कर तक रैली, गुड्स ट्रांसपोर्टर की मॉल रोड पर रैली, चेरिंग क्रॉस पर सहाफी बरादरी की रैली। भारतीय जारहियत के खिलाफ बैनुल मजाहिब रहनुमा भी मैदान में, पाक फौज के साथ शाना बशाना चलने का अज़्म, सरदार बशन सिंह कहते हैं भारतीय सिखों के दिल भी पाकिस्तान में धड़कते हैं, पाकिस्तान सिखों की मुकद्दस जमीन है, आंच नहीं आने देंगे। सूबाई वजीर अकलेती अमूर एजाज आलम बोले, भारत अमन की बात को कमजोरी ना समझे, पूरी मसीह बरादरी पाक फौज के साथ खड़ी है। गुरुद्वारा डेरा साहब में मुख्तलिफ मजाहब के रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। जो वार करेगा सख्त पछताएगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, भारत में पाकिस्तान पर हमला करने की हिम्मत नहीं, एटमी धमाके करके पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बना दिया, शाहीनों को JF-17 थंडर का तोहफा दिया, मुल्क का भरपूर दिफा करने पर खुशी है, नवाज शरीफ की कोट लखपत जेल में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। पाक भारत सरहदों पर तनाव, एयर स्पेस बंद, लाहौर आने और जाने वाली 83 परवाजें मंसूख, फ्लाइट ऑपरेशन आज दोपहर 1 बजे तक मुअत्तल रखने का ऐलान, एविएशन अथॉरिटी ने तमाम एयरलाइंस को आगाह कर दिया, समझौता एक्सप्रेस की भारत रवानगी मंसूख, एडवांस बुकिंग वाले 16 मुसाफिरों में से 7 ने टिकट रिफंड करवा ली, मुसाफिरों को शदीद मुश्किल, वीजे की मुद्दत खत्म, पैसे भी खत्म हो गए, दोस्ती बस सर्विस से सिर्फ 3 मुसाफिर जा सके, भारत से 44 मुसाफिर पाकिस्तान आए। तहफ़ुज़ात खदशात सब खत्म, आज इम्तिहान होंगे, तालीमी बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम मैट्रिक इम्तिहानात का आज से आगाज, पहले रोज अरबी, बिजनेस स्टडीज, क्लॉथ एंड टेक्सटाइल्स के पेपर्स होंगे, 821 इम्तिहानी मराकज के अतराफ में दफा 144 नाफिज, इम्तिहानात में 5 लाख से ज़ायद बच्चे शरीक होंगे। अवाम की फलाहो बहबूद ही हमारा निस्बुल आइन है, अवाम की तहफ़ुज़ के लिए कोई कसर उठाना रखी जाएगी, 65 साल से ज़ायद उम्र के बुजुर्ग अफराद के लिए खसूसी प्रोग्राम को जल्द मुकम्मल किया जाएगा, वज़ीर आला पंजाब का आला सतह इजलास से खिताब, अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल का जायजा, अवाम के तहफ़ुज़ के लिए किए गए इकदाम पर इजहार इत्मीनान। मोदी के पागलपन का कोई पता नहीं, हम जंग नहीं चाहते, हम अपनी अफवाह के साथ खड़े हैं, सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद, सर्विसेज अस्पताल का दौरा, ब्लड बैंक में खून की मौजूदगी का भी जायजा, एमरजेंसी में इजाफी 50 बेड लगा दिए गए, मेयो अस्पताल में मेडिकल कोर के लिए अस्पताल कमेटी का इजलास, तमाम शोबों के सरबराहान की शिरकत। 7 रोज बाद सफाई ऑपरेशन शुरू मगर चैलेंज बरकरार, जगह जगह कूड़े के ढेर, सफाई कंपनी के लिए चैलेंज, ताफुन फैलने लगा, LWMC का 4 रोज में शहर को जीरो वेस्ट करने का अज़्म, तुर्क कॉन्ट्रैक्टर से मुआमला तय पा गए,
चंद रोज में 6000 टन कूड़ा उठाने लगाया जाएगा। MD LWMC खालिद नजीर वटू। शहबाज शरीफ का नाम ECL से निकालने से मुतालिक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मलिक शहजाद की सरबराही में दो रुकनी बेंच 3 मार्च से समाअत करेगा। शहबाज शरीफ ने नाम ECL में डालने का इकदाम चैलेंज किया था। बाकायदगी से अदालत पेश हो रहा हूँ। पोती की तबीयत नासाज है, बैरून मुल्क नहीं जा सका, ECL से नाम निकाला जाए, दरख्वास्त गुजार की इस्तदा। महंगाई से सताई आवाम पर मजीद बोझ। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 2.50 रुपये फी लीटर का इजाफा। हाई स्पीड डीजल की कीमत 4.75 रुपये फी लीटर बढ़ गई। मिट्टी का तेल 4 रुपये फी लीटर महंगा। FBR की कार्रवाइयों के खिलाफ चारों सूबों के ताजर का इत्तेहाद। गैर सियासी ट्रेडर अलायंस का ऐलान। FBR ताजरों पर हमला आवर है। ताजरों को टैक्स चोर साबित करने की कोशिश की जा रही है। सदर ट्रेडर अलायंस नासिर हमीद खान, मोहम्मद अली मियां और इरफान कैसर शेख की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर ज़राअत पंजाब सीड कॉरपोरेशन का इजलास। बीजों की रिकॉर्ड फरोख्त पर MD पंजाब सीड कॉरपोरेशन की तारीफ। मलिक नुमान लंगड़ियाल बोले, सूबे में ज़रई इंकलाब लाएंगे, ज़रई शोबा के लिए दिन रात काम करना होगा। पंजाब की जेलों में एड्स में मुब्तला 217 कैदियों का इंकशाफ। 187 कैदियों का इलाज जबकि 30 के मरज की तशखीस का अमल जारी। महकमा जेल खाना जात की पंजाब असेंबली में रिपोर्ट पेश। भारत हमें तन्हा नहीं कर सकता, हम जंग में यकीन नहीं रखते। वजीर आजम की अमन की पेशकश पर भारत ने जंग मुसल्लत करने की कोशिश की। गवर्नर पंजाब का किनेट कॉलेज के कन्वोकेशन से खिताब। तलबा में डिग्रियां और मेडल्स भी तकसीम किए। बेसहारा बच्चों को महफूज करके मुस्तकबिल महफूज बनाएं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के जेर एहतमाम लिबर्टी चौक में आगाही मुहिम। बच्चों की प्ले कार्ड उठाए शिरकत। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद बोली, आगाही मुहिम को पंजाब भर में फैलाएंगे, सड़कों पर भीख मांगने वाले बच्चों के मसाइल हल करेंगे। PSL 4 के लिए टिकट्स की फरोख्त का मामला। 500 और 1000 रुपए वाली तमाम टिकट्स फरोख्त। 2 और 3000 रुपए वाली चंद टिकट्स बाकी। तमाम मैचेस शेड्यूल के मुताबिक होंगे, चेयरमैन PCB एहसान मानी ने वाजे कर दिया। और पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के जेर एहतमाम साइंस मेला। तलबा के तैयार करदा 350 से ज्यादा मॉडल्स नुमाइश के लिए पेश। होनहार तलबा में शील्ड और दीगर इनामात तकसीम।